All, me Naren Kumar, and I welcome you again. Today we will discuss chapter Cube and Cube Roads, exercise 7.1 from Ashton book. So explanation जो है हमारा almost इस chapter के लिए complete हो चुका है. हमने इस chapter में जो पढ़ा है वो cube roads और perfect cube इस तरह से हमने पढ़ा है. तो आज हम start करेंगे exercise 7.1 और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से questions जो है वो different है, जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किए, जो अब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स में लाइव नहीं करते. तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं 7.1 को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारे पास. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज, और ये एक एमसीक्यू है. तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है इवन, सेकंड है ऑड, थर्ड है मे बी इवन और मे बी ऑड, एंड जो डी ऑप्शन है वो है एक प्राइम नंबर. ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमसे जो पूछा गया है. हम सबसे पहले लेते हैं हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स. तो ऑड नेचुरल नंबर्स आप सभी जानते हैं क्या कौन कौन से होते हैं. ये वन से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो नंबर्स है हमारे पास वो ऑड नेचुरल नंबर्स है. तो अगर हम 1 का क्यूब देखते हैं तो 1 का क्यूब कितना मिलता है 1, 3 क्यूब कितना मिलता है 27, 5 क्यूब कितना मिलता है 125, 7 क्यूब जो है वो है हमारे पास 343, 9 क्यूब जो है वो है 729. यहाँ से देखिए 1, 3, 5, 7 और 9 ये सभी क्या थे हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. तो अगर हम इसके क्यूब के बारे में देखते हैं तो क्यूब कितना है, 1 क्यूब 1 है जो कि ऑड है, और 27 भी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है, 125 भी ऑड नेचुरल नंबर है, 343 भी ऑड नेचुरल नंबर है, और 729 भी ऑड नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक नेचुरल नंबर अगर ऑड है उसका क्यूब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर ही मिलता है. ठीक, तो अगर इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा. अगर आपको याद है तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी थी, हमने पढ़ा था, तो बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्यूब्स की. उसमें हमने पढ़ा था क्यूब ऑफ इवन नंबर विल बी इवन एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर विल बी ऑड. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट एंड दैट इज ऑड. ओके बच्चे समझ गए हो. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है चेक इफ गिवन नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब और नॉट. ओके, तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग डिस्कस करें. ओके, और इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ. जो ए ऑप्शन है 260 वो आपका एक परफेक्ट क्यूब आएगा. इसके साथ में जो आपका एफ ऑप्शन है उसमें दिया गया है 1331 और ये भी एक परफेक्ट क्यूब आएगा. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना आंसर मैच कर देंगे. ओके, जो जो आपका आंसर आ रहा है, और इसके साथ में जो सी ऑप्शन है 125 वो भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. समझ गए बच्चे, बाकी आप सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप इसके ग्रुपिंग कराएंगे ट्रिपल्स में, और ट्रिपल्स में अगर जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स उनका ग्रुपिंग अगर ट्रिपल्स में कंप्लीट हो जाता है तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिए और हम अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ गिवन नंबर्स. ओके, सबसे पहले दिया गया है 172 और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. 172 का अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है बेटा 2, और 2 का क्यूब कितना मिलता है वेट. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम 172 का क्यूब करेंगे तो जो क्यूब होने के बाद एक नंबर आपको मिलेगा उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो 8 होगा. समझ गए आप सभी. इसी तरह से सेकंड जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट था, बी पार्ट है 1, 3, 2, 5 इसका
इसका जब आप क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस देखिए, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट चल रहा है, 5, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलता है, 125, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इस तरह से आप बाकी जो पार्ट हैं इसके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट एक ही पार्ट बचा है सी, और उसको चलो उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। सी पार्ट में दिया गया है 79 के क्यूब में आप देखें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 9 का जब आप क्यूब करते हैं तो आपको कितना मिलता है, इसका 9 ही मिलता है। ओके, क्योंकि 9 क्यूब कितना होता है, 729, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट मिला है, 9। इसका मतलब जब आप 79 का क्यूब करेंगे और क्यूब होने के बाद जो नंबर आपको मिलेगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो किस पे एंड करेगा, 9 पे करेगा। ओके बेटा, सो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th की हम बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th में हमारे पास क्या है, आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में दिया गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमने क्यूब में नहीं किया है, लेकिन जब हमने चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर को तब हम इस तरह के क्वेश्चन को कर चुके हैं। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, और इसमें आपको दिया गया है एक नंबर है 72। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो आपको ध्यान करना है, जैसे वहां पे हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते थे गिवन नंबर के, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 आर, यू कैन सी दैट 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ओके, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा सेम फैक्टर का। अब देखिए 2 का जो ग्रुप्स है ट्रिपल्स में वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 3 का ग्रुप्स कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो अगर हमें 3 का ग्रुप्स कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 3 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या बना पाएंगे, हम इसको परफेक्ट क्यूब बना पाएंगे। सो यहाँ पे जो आपको इसको कंप्लीट करने के लिए, इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए जिस नंबर की जरूरत पड़ रही है वो ही हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे 3 होता तो ग्रुप कंप्लीट हो जाते, और अगर ग्रुप कंप्लीट हो जाते तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता, सॉरी परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। ओके बच्चे, सो क्लियरली वी कैन सी दैट वी नीड 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, सो clearly we can see that we need 3 to make it perfect cube number. So you can write, so the required is smallest number is 3. Okay, समझ गए होगे आप सब। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है, इसको रेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिला हुआ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट्स बिकम ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैं इनिशियली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, अब जब आप नोटबुक में करेंगे, फेयर नोटबुक में जो जो क्वेश्चन आपको साइन किया जाए उसमें आप क्या करेंगे, फेयरली कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 375। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टर किसके, 375 का, क्योंकि क्वेश्चन ये भी इसी तरह से होगा। तो 375 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 57 जा 35, यहाँ से जो हाँ रिमाइंडर बचेगा 25, 5 5 25,
that means again divided by 5, we got 15, again divided by 5, we got 3, and divided by 3, we got 1. So we can say the prime factor of 375, that is equal to 5 raised to the power 3, multiplied 3 raised to the power 1. यहाँ पे हम एक चीज देखने वाले कि यहाँ पे जो बात की गई है वो है डिवाइड करने के लिए कि हम स्मॉलेस्ट किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें 375 को, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब के लिए आपको पता होगा कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो ट्रिपल्स में होते हैं। ओके, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि 5 तो ट्रिपल्स में है, 5 इज टू पावर 3 का मतलब आप सभी जानते हैं 5 × 5 × 5 है, लेकिन अगर 3 को देखते हैं तो 3 रेज टू द पावर 1, दैट मींस वो एक सिंगल फैक्टर है। तो अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनना है तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 9 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के लिए तो कौन सा नंबर हो जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि एक ही नंबर है जो एक्स्ट्रा है। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये पेयर तो ट्रिपल्स तो कंप्लीट है ना इसके लिए, और इसी तरह से फिर जो बाकी हमारे पास इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर हमें क्या मिला है, इसका आंसर हमें मिला है 3। आप लिख सकते हो दैट द स्मॉलेस्ट रिकॉर्ड नंबर दैट इज 3। So, ये हमारा आंसर है। तो आपको याद रखना है कि जब हम डिवाइड के लिए जाएंगे तो डिवाइड में हमें लेना है कि एक्स्ट्रा क्या है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि यहाँ से आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक फैक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, एक से ज्यादा फैक्टर इस तरह से आ जाए और उनको हमें रिमूव करना पड़ जाए। तो वहां पे उस कंडीशन में सोचो अगर यहाँ पे इस तरह से इसमें अगर 7 भी होता, 7 रेज़ टू द पावर 1, हालांकि इसके लिए नहीं है, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अगर इस तरह से कोई नंबर होता आपके पास तो इसमें आपको क्या मिलता, सोचो किसी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो है आपके पास 5 raised to the power 1, 3 raised to the power 1, 7 raised to the power 1, ये किसी नंबर के फैक्टर्स हैं जो प्राइम फैक्टर आपने फाइंड आउट किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 5 raised to the power 3 इसका मतलब इसका ट्रिपल्स रूट तो कम्प्लीट है, 3 raised to the power 1 इसका मतलब इसका कम्प्लीट नहीं है, और 7 raised to the power 1 इसका कम्प्लीट नहीं है। तो अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें किसकी जरूरत है, 3 raised to the power 2 × 7 raised to the power 2, ये तो हो गया बेटा मल्टीप्लाई के लिए। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करके इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो आपको इनके प्रोडक्ट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिवाइड करने के लिए बनाना है तो डिवाइड इसको हमें रिमूव करना है 3 raised to the power 7 raised to the power 1 को, तो इसका प्रोडक्ट अगर आप देख लें तो कितना मिलता है 21। ओके, तो यही सब समझ गए होंगे कि अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में तो आपको इन जो एक्स्ट्रा पेयर फैक्टर्स बच जाते हैं उनके प्रोडक्ट से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ट्रिपल्स कंप्लीट करने के लिए हमें इन फैक्टर्स की जरूरत है, उनके प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह से है, और बाकी के जो पार्ट्स हैं इसमें आपको एक में मिला हुआ है 625, एक में मिला हुआ है 256, दोनों पार्ट्स आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वो है बच्चों कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया गया है तो वो है फ्रैक्शन फॉर्म में 3/5 whole cube, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपको होल क्यूब फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5 × 3/5 × 3/5 देखो क्या, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 9 9 × 3 = 27, ओके, एंड 5 × 5 = 25 25 × 5 = 125। सो वी गॉट अवर आंसर, इजी ने जो आपको दिया गया है डेसिमल में जो आपको दिया गया है, जैसे डी पार्ट है ये हमारा सी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, इसका अगर आप सी पार्ट देखते हैं तो डी पार्ट अगर आप देखते हैं तो डी पार्ट में है आपके पास, और इसमें दिया गया है 2.3, आई थिंक मुझे
कुछ इसी तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। मेरे पास जो है वो एक्चुअली पिक्चर है, फोटो खींच के भेजा गया है, वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास यहाँ पे, और मैं अभी इसी से काम करा रहा हूँ। शायद आप लोगों के पास होगी तो क्लियर हो जाएगा। सो 2.3 को अगर आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3, और आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या फिर इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी ला सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे, 23/10 मल्टीप्लाई 23/10 मल्टीप्लाई 23/10, और इनका प्रोडक्ट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे यकीन है आप लोग कर लेंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको मिला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 70 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि आपकी अगर किसी क्यूब की जो एज है वो कितना है, 70 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, यहाँ से आप लिख लेंगे दैट एज ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आप सभी को याद होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपके पास एच क्यूब। ओके, सो ये कितना है, ये है आपके पास 17, 17 क्यूब अगर आप करते हैं तो 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 7। ओके, 17 17 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, और सबसे पहले तो आपको आ जाएगा कितना, 217 स्क्वायर अगर आप करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे 289, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 289 17 क्यूब जो है आपके पास 17 स्क्वायर आ जाएगा 289, मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 4913 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसका मैं एक पार्ट आपको सॉल्व कर देता हूँ, और जैसा कि आपको पैटर्न देखने को मिल रहा होगा उस पैटर्न के बिहार पे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पैटर्न को ही हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके साथ में मैं आपको आज होमवर्क भी दूंगा करने के लिए इसी एक्सरसाइज से, तो आपको फेयर नोट बुक करना। तो सबसे पहले तो हम पैटर्न देखते हैं। पैटर्न है आपके पास 2³ - 1³, एंड दैट इज इक्वल टू 1+2 मल्टीप्लाई 1+3। समझ रहे हैं आप सभी, इसके साथ में फिर दिया गया है 3² मुझे लग रहा है 3² गलत है, 3³ होना चाहिए यहाँ पे 3² - 2³। बुक में स्क्वायर है लेकिन ये होना चाहिए एक्चुअली क्यूब, सो आप इसको क्यूब ही काउंट करना, 3³ - 2³ दैट इज इक्वल टू 1+, और इसके साथ में दिया गया है 3 × 2 × 3 × 3। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, सॉरी, ओके, 1+2 × 1 × 3 ठीक है, तो यहाँ पे 1+3 × 2 × 3 ये भी ठीक है, और इसके साथ में दिया गया 4³ - 3³ दैट इज इक्वल टू 1+4 × 3 × 3। ओके, समझ गए बेटा आप सभी। सो अभी चलते हैं, सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न देखो, यहाँ से आपके पास 2 और 1, ये वन अगर आप देखते हैं सभी में कॉमन है, तीनों जो चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इन दोनों डिजिट पे, ये 2 है और ये 1 है, इनका प्रोडक्ट हो, ये 3 भी तीनों में कॉमन है, समझ रहे हैं आप सभी। इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ से 3³ - 2³, ये है आपके पास 1 और ये है प्लस 3 × 3 और ये वाला 3 है, 2 यहाँ से आया और ये 3 सभी के लिए कॉमन है। 4³ - 3³ को देखते हैं तो 1 सभी में कॉमन है, 4 × 3 दोनों का प्रोडक्ट 3। ओके, तो इस पैटर्न को देखते हैं, यहाँ से 2 है जो यहाँ पे आया हुआ है, ये 1 है, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये 1 तीनों इक्वेशंस के लिए आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये 3 भी तीनों में ही आया हुआ है, तो ये नंबर आप देख सकते हैं 2 और 1 यहाँ पे मिला, 3 और 2 यहाँ पे मिला, 4 और 3 यहाँ पे मिला,
समझ गए बेटा। तो इसके बिहार पे आपको जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो कितना है, वो है आपके पास 81³ - 80³। ये कितना होना चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए 1 प्लस यहाँ से फिर आपका 81 मल्टीप्लाई 80 और मल्टीप्लाई 3। क्लियर हो गया, समझ आया सभी को। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, सबसे पहले 80 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 तो ये तो आ जाएगा 240। 81 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये 240 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 800, 84 30, 8 16, 16 3 19, ये आ गया आपके पास 04 और ये भी कितना आ गया 49 और 1। तो यहाँ से आपको जो मिला है वो है 1 + 19440। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 19441। ओके समझ गया सभी को, क्लियर है। तो इस तरह से आप अपने पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। जो बाकी पैटर्न है इसमें दूसरा मिला हुआ 100³ - 99³ और दो ही हैं बस आपके पास, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए एकदम क्लियर होगी। तो आज के एक्सरसाइज में इतना ही, और होमवर्क जो है वो आपको दे दिया जाएगा, आप गूगल क्लासरूम में जाके देख लेंगे अपनी क्लास ओपन करके। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।